जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। बाबा कपाल भैरव को प्रणाम करते हुए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। श्री कपाल भैरव सिद्धांतिक तंत्र संस्थान और श्री कपालेश्वर महादेव शक्ति मार्ग की स्थापना के पीछे जो उद्देश्य था हमारा, वो उद्देश्य ये था कि आप लोगों को तार्किक ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना से अवगत करवाया जाए, जिसके लिए हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई। उदाहरण के रूप में रुद्राक्ष के लिए आप देख सकते हैं, आप माता कामाख्या के तथ्यों के ऊपर वीडियोस देख सकते हैं। और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है देख करके कि आप लोग उस ज्ञान की सराहना करते हैं। मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को तार्किक ज्ञान मिले, आप लोगों को सैद्धांतिक ज्ञान मिले, फिर वो चाहे कहीं से भी हो, चाहे आप मेरे चैनल पे वो वीडियोस देखें, चाहे आप मेरे मित्रों के चैनल पर वो वीडियोस देखें जो लोग उस ज्ञान को अपने चैनल पर डालते हैं, उसको आप लोगों तक पहुंचाते हैं और उनसे इसी प्रकार की सहायता की उम्मीद मुझे है कि वो लोग ऐसी ही मेरी वीडियोस का प्रचार और प्रसार जो है वो करते रहें और आप लोगों को ज्ञान देते रहें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के शिविर की और गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली साधना की। गुप्त नवरात्रि के लिए इस बार संस्थान की तरफ से एक नहीं अनेकों शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर आपको माता कर्कंकालिका की, माता रक्तदंतिका की और माता नागदंष्ट्रा की साधना करवाई जाएगी। इनमें से माता रक्तदंतिका का नाम आप लोगों ने अवश्य सुना होगा, दुर्गा सप्तशती अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो उसके अंदर आप लोगों ने अवश्य ही माता रक्तदंतिका का नाम सुना होगा। परंतु इसके अलावा बाकी जो दो देवियाँ हैं जिनका मैंने नाम लिया, आप लोगों को इनके बारे में नहीं पता होगा। ये गुप्त देवियां हैं, इनके मंत्र गुप्त हैं, इनकी विधियां गुप्त हैं, इनके प्रयोग गुप्त हैं और इनके साथ साथ में आप लोगों को साधना करवाई जाएगी नक्षत्र महाविद्या की, जिसमें आप लोगों के नक्षत्र के अनुरूप जिस महाविद्या का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है उनकी साधना करवा करके आपको उस तत्व से जोड़ा जाएगा, जिससे कि आप लोग अपने नक्षत्र की महाविद्या का आशीर्वाद और उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। आजकल लोगों के अंदर एक भावना रहती है कि जब उनके जीवन में कोई समस्या होती है तब वो साधना करते हैं। कपाल भैरव सिद्धांतिक तंत्र संस्थान का ये लक्ष्य है कि आप साधना पे ध्यान दीजिए, आपके जीवन पे ध्यान आपकी साधना दे देगी। वो कहावत आप लोगों ने अवश्य सुनी होगी कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अर्थात कि व्यक्ति ईश्वर को याद तब करता है या फिर वो साधना की ओर तब जुड़ता है जब उसके जीवन में कोई समस्या आती है। आप लोग तंत्र के नाम पर भले ही कितनी भी गालियां दे दें कि तंत्र अच्छा नहीं है, तंत्र बुरा है, तंत्र दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के लिए होता है, तंत्र में प्रवृत्ति दुष्ट होती है लोगों की, परंतु एक सत्य ये भी है समाज का कि आज के समय में यदि व्यक्ति को कोई समस्या होती है तो वो किसी तांत्रिक को ही ढूंढता है अपने समाधान के लिए। श्री कपाल भैरव सिद्धांतिक तंत्र संस्थान का लक्ष्य ये है कि हम आप लोगों को स्वयं समर्थ बनाएं कि आप लोग ना केवल अपने जीवन की समस्याओं का निवारण कर सको अपितु आप अपने समाज के लोगों का भी निवारण कर सको, उनका मार्गदर्शन कर सको। इसी उद्देश्य के साथ में आप लोगों को ये साधनाएं करवाई जा रही हैं, जिनके अंदर माता नागदंष्ट्रा की साधना है, माता कर्कंकालिका की साधना है, माता रक्तदंतिका की साधना है, नक्षत्र महाविद्याओं की साधना है, इसके अलावा महाविद्याओं के कुछ गुप्त रूप हैं जिनकी साधना है। उद्देश्य केवल एक है, जैसा कि गुप्त नवरात्रि की प्रथा है, गुप्त नवरात्रि का चलन है कि गुप्त नवरात्रि में साधना को गुप्त रखा जाता है, गुप्त नवरात्रि में अनुभवों को गुप्त रखा जाता है, गुप्त नवरात्रि के अंदर और भी कई चीज़ें हैं जिनकी गुप्तता का ध्यान इसमें रखा जाता है। इसी उद्देश्य के साथ में हम लोगों ने ये निश्चय किया कि इस बार हम लोग शिविर एक अलग पद्धति से कराएंगे, एक अलग तरीके से करवाएंगे। ये प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है कि इस समय स्क्रीन पर दिख रहे नंबर्स पर आपको संपर्क करके ये सूचना देनी होगी कि मैं इन देवी की साधना जो है करना चाहता हूँ। आपको उन देवी के बारे में बताना होगा, उसके बाद में आपको एक मार्गदर्शक दिए जाएंगे, आपको एक मार्गदर्शक नियुक्त किए जाएंगे जो आपको उस साधना शिविर में जोड़ेंगे और आपको उस देवी की साधना करवाएंगे। एक और बात इसके अंदर, यदि आप नक्षत्र महाविद्या का चुनाव करते हैं, यानी कि अगर आप नक्षत्र महाविद्या के शिविर में जुड़ते हैं तो उसके अंदर आपको इन तीन देवियों की साधना नहीं करवाई जाएगी, परंतु यदि आप इन तीन देवियों में से किसी की साधना करते हैं तो उसके साथ में आपको एक महाविद्या की साधना भी करवाई जाएगी।
माता नागदंष्टा के साथ में माता छिन्नमस्ता की साधना, माता करकंकालिका के साथ में माता मातंगी की साधना और माता रक्तदंतिका के साथ में माता कालका की साधना। इन साधनाओं को करवाने के साथ में आप लोगों को इनकी प्रयोग विधियाँ और इनके आध्यात्मिक रूप से आपको परिचय करवाया जाएगा, इनके वैज्ञानिक सिद्धांतों से आपको परिचित करवाया जाएगा। इन तीनों देवियों के कुछ ऐसे गुप्त रहस्य आप लोगों को बताए जाएंगे जिनके द्वारा आप साधना के नए आयामों को समझेंगे, अपने जीवन में उन साधनाओं के प्रयोगों को समझेंगे और ये समझेंगे सबसे महत्वपूर्ण रूप से कि आप कैसे इन साधनाओं का प्रयोग करके अपने जीवन में और किसी और के जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इस साधना शिविर की जो दक्षिणा है वो 2100 रुपये है। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर्स पर संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को पेमेंट की डिटेल मिल जाएंगी, आप लोग वहाँ पर भी पेमेंट कर सकते हैं और आप शिविर में जुड़ सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग साधना शिविर में नहीं जुड़ सकते, उन लोगों के लिए भी मैं यहाँ पर साधना दे रहा हूँ। वो लोग चाहें तो उस साधना को भी कर सकते हैं यदि वो लोग शिविर में नहीं जुड़ सकते तो। सबसे पहली साधना है महानिर्वाण मंत्र की। महानिर्वाण मंत्र की साधना आपको प्रतिपदा से आरंभ करके, यानी कि जो पहली नवरात्रि होगी उस दिन आरंभ करके आपको 9 दिनों तक ये साधना करनी है। नित्य इसमें महानिर्वाण मंत्र के 108 जाप होंगे जो कि 9 दिनों तक चलेंगे। अंतिम दिन आपको इस साधना का हवन करना है जिसमें 5 माला की आहुति होगी। माला रुद्राक्ष, स्फटिक या कमलगट्टे की माला का प्रयोग कर सकते हैं। वस्त्र लाल, आसन लाल, दिशा उत्तर। इसके जो भोग से संबंधित जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो थोड़ी ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर आपको माता को प्रतिदिन एक अलग फल का भोग लगाना है, यानी कि 9 दिनों में 9 प्रकार के फलों का भोग आपको माता को लगाना है और अंतिम दिन उन सभी 9 फलों को जो आप लोगों ने भोग में दिए थे माता को, उन सभी फलों को काट करके आपको यज्ञ कुंड में डाल देना है 5 माला की आहुति करने के बाद। घी से इस साधना का हवन होगा और 5 माला की आहुति आपको करनी है। तो ये साधना है महानिर्वाण मंत्र की। इसके अलावा जो दूसरी साधना आप लोगों को मैं बता रहा हूँ वो साधना मैंने पहले बताई हुई है यूट्यूब पे, और वो साधना है बीज महाविद्या स्तोत्र की साधना, गुप्त बीज महाविद्या स्तोत्र साधना। इस साधना की विधि और इस साधना की हवन की विधि दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं और उस साधना को भी कर सकते हैं। ये दोनों साधनाएँ तीक्ष्ण प्रभावी साधनाएँ हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण करने में पूर्ण सक्षम है। बस आपको संकल्प में मनोकामना अपनी रखनी होगी कि मेरी ये मनोकामना है, मैं इस मनोकामना के साथ में इन साधना को कर रहा हूँ। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस साधना में अंदर होने वाले अनुभव आप पूर्ण रूप से गुप्त रखेंगे, आप वो अनुभव किसी को बताएंगे नहीं। तो आप लोग चुनाव कर लीजिए कि आप लोग शिविर में सानिध्य साधना करना चाहते हैं या फिर आप स्वयं से साधनाएँ करना चाहते हैं। अभी के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए यदि आपका इन साधनाओं से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आप लोगों को उसका उत्तर मिल जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।